महाशिवरात्रि का पर्व हर हिंदू के लिए बहुत ही खास होता है। इसका इंतजार हर शिव भक्त करता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप में से कोई ये जानता है कि पूजा से पहले बहुत से नियमों का ध्यान रखा जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों यही कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी तिथि जब फाल्गुन माह में आती है तब महाशिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस बार महाशिवरात्रि 11 मार्च को मनाई जा रही है। चलिए जानते हैं भगवान शिव की पूजा के कुछ नियम। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र के तीनों पत्ते पूरे हो, ये टूटे ना हो। इसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर इसे अर्पित करने के लिए पहले एक विशेष मंत्र का उच्चारण कर बिल्व वृक्ष को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद ही बिल्व पत्र तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से शिवजी बिल्व को जल्द स्वीकार कर लेते हैं। ये व्रत महाशिवरात्रि से शुरू होकर अगले दिन तक रखा जाता है। यदि आप निर्जला व्रत रखते हैं तो आपको भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं या फिर फलाहार पर भी व्रत रख सकते हैं। नीलकमल भगवान शिव का प्रिय पुष्प माना जाता है। अन्य फूलों में कनेर, आक, धतूरा, अपराजिता, चमेली, नाग केसर, गुलर आदि के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो पुष्प वर्जित है वो है कदम्ब, केवड़ा और केतकी। एक बात का ख्याल जरूर रखें कि फूल ताजे ही हों, बासी नहीं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन काले वस्त्र न पहने। इसके साथ ही पूजा करते समय तिल के तेल का प्रयोग न करें। पूजा में अक्षत ही चढ़ाएं, यानी टूटे चावल न चढ़ाएं। भगवान शिव को सफेद फूल बहुत पसंद है, लेकिन केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना जाता है। शिव की पूजा में तिल नहीं चढ़ाए जाते। माना जाता है कि तिल भगवान विष्णु की मैल से उत्पन्न होता है, इसीलिए भगवान विष्णु को ही तिल अर्पित किया जाता है, लेकिन शिव जी को नहीं। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव प्रतिमा पर नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी नहीं। हल्दी और कुमकुम उत्पत्ति के प्रतीक है, इसीलिए पूजन में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।